सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ अपडेट्स को और बेल आइकन को दबाए नई होम रेमेडी देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस बाउल में काजू देख रहे हैं, काजू को अक्सर हम ड्राई फ्रूट्स, मिठाई के ही सारे पकवानों में, सब्जी में, चटनी में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। काजू में विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जिससे ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। काजू खाने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है और दिल की बीमारी को भी दूर करता है। फ्रेंड्स, काजू में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो ये सब मिलकर इसे गुणों का खजाना बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हेल्थ से जुड़े फायदों के बारे में बताते हैं। हमारी हेल्थ के लिए काजू के क्या क्या बेनिफिट है। काजू के फायदे कैंसर के लिए, काजू में मौजूद प्रो एंथोसायनिडीन फ्लावोनोल्स का एक वर्ग है, यानी कि हमारा जो ट्यूमर है उसके कोशिकाओं के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है। जिन लोगों को कैंसर होता है, काजू में मौजूद प्रो एंथो निडीन्स और कॉपर कैंसर कोशिकाओं लड़ने का काम करते हैं और हमें पेट की कैंसर से बहुत दूर रखते हैं। साथ साथ काजू में विटामिन ई और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर को पनपने से रोकते हैं। फ्रेंड, हम काजू के दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं जो हमारे दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करता है। काजू में वसा की क्वांटिटी और नट्स की तुलना में बहुत कम होती है और इसमें फोलिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत ही लाभदायक है। काजू में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम होता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमें दिल की बीमारियों से बहुत दूर रखते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की। फ्रेंड, काजू ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। काजू में सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। अब मैं आपको बताती हूँ काजू के फोर्थ बेनिफिट के बारे में जो कि हमारे बालों के लिए है। काजू में कॉपर पाया जाता है। काजू के रेगुलर इस्तेमाल से बाल लंबे, घने, मजबूत और शाइनी बनते हैं। इसके रेगुलर यूज से बाल झड़ने की समस्या भी दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं बात कर रही हूँ काजू के फिफ्थ बेनिफिट के बारे में जो कि हड्डियों के लिए है। कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम की हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। काजू में मौजूद मैग्नीशियम हमारी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है। हमें अपनी बॉडी के लिए डेली 300 से 750 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। हमें हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए काजू का सेवन करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड, अब मैं बात कर रही हूँ काजू के सिक्स बेनिफिट के बारे में जो कि पथरी के लिए है रेगुलर यूज से। फ्रेंड, जैसे कि आजकल पथरी का चलन ज्यादा है, बच्चों से लेकर बड़ों तक पथरी किसी को भी हो जाती है। फ्रेंड, काजू हमारी पथरी को, जिन लोगों को पथरी हो जाती है, काजू उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। रेगुलर रूप से काजू का डेली यूज करने से पित्त में पथरी होने का 25% खतरा कम होता है। फ्रेंड्स, अब मैं काजू के सेवन बेनिफिट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि हमारी त्वचा के लिए है। काजू में प्रोटीन अधिक होता है। काजू ऑयली या ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप काजू को रात भर दूध में भिगोकर सुबह उसको पीसकर उसको मुल्तानी मिट्टी, नींबू या दही थोड़ी क्वांटिटी मिलाकर उसको चेहरे पर लगाने से चेहरा खिल उठता है, चमकने लगता है। काजू का ऑयल व्हाइट दागों पर लगाने से धीरे धीरे सफेद दाग खत्म हो जाते हैं। अब मैं बता रही हूँ काजू के एट बेनिफिट के बारे में जो कि हमारे शुगर से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को शुगर हो गया है, काजू शुगर को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है।
काजू के रेगुलर यूज से इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है जिससे शुगर कंट्रोल में रहता है। अब मैं बात कर रही हूँ काजू के 9 बेनिफिट्स के बारे में जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। काजू में विटामिन मिनरल बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा आहार होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।